सिस्टम की ओर जा रहे हैं। अगर स्केलेटन किंग वर्म कहीं है तो वो जरूर वही होना चाहिए। अजीब बात है, सुपर रोबोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये नई दिशा में ले जा रहा है। नेविगेशन सिस्टम चेक करो, शायद ये खराब है। कंप्यूटर्स में खराबी नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं होगा दोस्तों, और सुपर रोबोट हमारे कमांड्स नहीं मान रहा है। तुम क्या कहना चाहते हो, ये अपना फैसला कर रहा है? शायद ये सिर्फ एक रोबोट नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो अंटौरी, मतलब ये मशीन है, हो सकता है खराब हो गई हो। ठीक कहा, सच कहे तो टेक्निकली मशीनें सिर्फ जिंदा नजर आती हैं। पर जो दिखता है वो होता नहीं। जो दिखता है वही सच होता है, मशीनों की आत्मा नहीं हो सकती। ये है क्या? पता नहीं जीरो, पर ये हमला करने वाला है। इसके ट्रैक्टर बीम हमारा पीछा कर रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट मंकी जाग उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगरजुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। ऑटो रोबोट को स्टेबलाइज करो। हाँ, शायद इससे बात बन जाएगी। जिंदगी का नामो निशान नहीं तो मेरा मानना है कि ये ऑटोमेटिक क्राफ्ट है जो हमें दुश्मन समझ रहा है। हम और दुश्मन, ये खुद कोई जानलेवा रोबोट लगता है जो गैलेक्सी को नष्ट करना चाहता है। इस तरह अंदाजा मत लगाओ स्पार्क्स, हमें इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो, इससे दोस्ती करना चाहते हो? अटेंशन एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट, हम सुपर रोबोट मंकी टीम हाइपरफोर्स है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। स्वागत है हाइपरफोर्स, मैं टैलिस स्टार सिस्टम से VX-808 मॉड्यूलर कंप्यूटर ट्रैकिंग प्रोब हूँ। तुम्हारा ट्रैक्टर बीम हमारा पीछा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम प्लैनेट शुगरजुम से हो इसलिए। इसका क्या मतलब है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी है। वही है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, ये स्केलेटन किंग का रोबोट ही है, शायद ये इस प्रोब के क्राफ्ट में आ गया। मैं समझाता हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। मैं मैकेनिकल जिंदगी की आधुनिक जाति का आखिरी पीस बचा हूँ। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जाति मशीन है? बिल्कुल, वो मशीन थे पर अब नहीं। तुम्हारे प्लैनेट की किसी अनडेड चीज ने हमारे प्लैनेट को नष्ट कर दिया। स्केलेटन किंग, हम उसे ही ढूंढ रहे थे जब तुम बीच में आ गए। मैं शुगर जूम से आने वाली हर चीज का रास्ता रोकूंगा और उसे तबाह कर दूंगा। पर हम भी स्केलेटन किंग के दुश्मन हैं। जिन जीवित शक्तियों का वास्ता स्केलेटन किंग से पड़ा है वो सब भ्रष्ट है, उन सबको मरना होगा। तैयार हो जाओ, हाइपरफोर्स गो।
जाओ टीम। नामुमकिन है, ये मशीन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, हम फंस गए। असलियत जानने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान रोबोटिक मंकी है पर किसी के काम की नहीं, और तुम भी किसी काम के नहीं हो इंसान। तुम सबका खत्म हो जाना जरूरी है। खत्म होना जरूरी है? मंकी टीम, तुम जिसका नाम एंटोरी है, तुम सबसे अलग हो। तुम 100% मशीन हो, तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। ये बदबू कैसी है? हम कहाँ है? मेरे ख्याल से ये जगह जरूर कचरा जमा करने की होगी। तो हम फंस गए, अब हमारा कचरा बनने वाला है। कचरा नहीं, जैविक ईंधन बनने वाला है। अब मैं तुम्हारे रोबोटिक पार्ट्स को खुद से जोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। मॉन्स्टर फ्रॉग, कोई फायदा नहीं। अलविदा जीवित प्राणियों। ये कचरे का डब्बा मजबूत है, इससे आजाद होना आसान नहीं। काश अंटावी यहाँ होते। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, अब तक उसने प्रोब से दोस्ती कर ली होगी। कभी नहीं स्पार्क, हम यहाँ अंटावी की बात कर रहे हैं। वो हमारे दोस्त हैं, याद है? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ओके, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तुम रास्ता जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर शायद तुम्हें पसंद ना आए। गिब्सन, सॉरी। अब चलो भी। मुझे छोड़ दो। छटपटाना बेकार है एंटोरी, तुम्हारी सारी बेकार कर दी है। मैंने उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, स्केलेटन किंग हमारा भी दुश्मन है। जाहिर सी बात है कि तुम अपने दोस्तों को तबाही से बचाने के लिए कुछ भी कहोगे, और मैं जीवित शक्तियों को खत्म कर दूंगा। समझते क्यों नहीं, सबको तबाह करके तुम वही बन रहे हो जिससे तुम्हें नफरत है, स्केलेटन किंग। स्केलेटन किंग, सिस्टम एरर। तुम्हें किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है। टीवी मॉन्स्टर तुम्हारे सिस्टम को करप्ट कर रहा है। नामुमकिन, टीवी मॉन्स्टर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। देखो, दिखाई नहीं देता, ये जिंदा है। मशीन जीवित नहीं होती, हम तो प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं। बदकिस्मती से तुम्हारे प्रोग्राम में खराबी आ गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा ज्ञान मेरे ज्ञान से जुड़ जाएगा। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तुम
समझते नहीं वो चला क्या है, शायद उसने प्रोब से हाथ मिला लिया हो। रुको, रिस्पांस मिल रहा है, पर एंटोरी से नहीं, यकीन नहीं होता, ये तो सुपर रोबोट है। क्या बात है, मशीन अपने आप ठीक हो गई, इसकी प्रोग्रामिंग काफी एडवांस्ड हो गई। मेरी बात याद रखना, ये रोबोट तुम्हें जरूर रोकेगा। तो तुम्हारी इच्छा शक्ति जग गई, अच्छी बात है, पर ये इच्छा शक्ति छोड़ दी जाएगी। तुम उससे ज्यादा समझदार हो जितना मैंने सोचा था। तुम्हारा काम तमाम रोबोट मैकेनिक्स, तुम्हारी मशीन मेरा विरोध कर रही है, अब तुम इनकी तबाही अपनी आंखों से देखो। मैं नहीं जानता था सुपर रोबोट के पास ये सब है। मैं भी नहीं जानता था। ये खेल खत्म नहीं हुआ मशीन। समझ नहीं रहे हो रोबोट, ऑर्गेनिक लाइफ विकास का देखो, तुम्हारे दोस्त बहुत जल्द फ्यूल और स्क्रैप मेटल बनने वाले हैं। हमारा खेल खत्म टीम। बचने की कोशिश के लिए लड़ना बेकार है, तुम्हारा रोबोटिक जहाज नष्ट हो गया है। ओह नो। और तुम्हारा मैकेनिकल दोस्त बहुत से जुड़ जाएगा। माफी चाहता हूँ टीम, इसे छोड़ दो, बहुत जल्द ये मेरा हिस्सा होगा और तुम सब भी। हो सकता है, सोच रहा हूं वो नामुमकिन है। मैं नहीं संभाल सकता। चीरो, गिब्सन, मैंने तुमसे जितनी बार भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए सॉरी, मतलब कुछ बातों के लिए। और नोवा, नोवा? हाँ स्पार्क्स। नोवा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मैं खुशी हुई स्पार्क।
सुपर रोबोट को हराने का कोई तो तरीका होगा। ये राज तुम्हारे मैकेनिकल ब्रेन में होगा और मैं इस राज को निकाल कर रहूंगा। इसे छोड़ दो। खुश बैठिए। सिस्टम क्रैश होने वाला है। सिस्टम क्रैश होने वाला है। भाग नहीं सकते। सिस्टम क्रैश होने वाला है। सिस्टम क्रैश होने वाला है। वो प्रोब नष्ट हो गया। फिक्र मत करो एंटोरी, तुम सुरक्षित हो। देखो, ब्रेन इजेक्ट हो रहा है। इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट कर दिया। 4 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। मैं सबको बाहर निकालता हूँ। वो हमारी तरफ आ रहा है। सिस्टम शटडाउन होने वाला है। हम सब राख हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने अच्छी तरह छान लिया है, पर सुपर रोबोट में ना तो कोई प्रोटेक्टिव प्रोग्रामिंग है और यकीन करो ना ही ये मैलफंक्शन था। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ ऑटो। सुपर रोबोट हमें गलत दिशा में नहीं लाया, बल्कि इसने तो जान लिया था कि हम गलत दिशा में जा रहे थे। क्या ये कैसे हो सकता है? शायद एंटोरी ठीक कह रहे थे। सुपर रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि मशीन से कहीं ज्यादा है। जिंदगी, मैकेनिकल जिंदगी भी अजूबों से भरी होती है। मैं सबसे पहले ये बात कहने का खतरा मोल लूंगा, तुम गलत थे किप्सन। मैं गलत था, लेकिन तुमने कहा कि मशीन की आत्मा हो सकती है। हाँ कहा था, और हाँ तुम गलत थे। और गलत होना ठीक होता है स्पार्क्स। कभी कभी। मैं सुपर रोबोट के बारे में और जानना चाहता हूँ। मतलब ये कैसे सोचता है, ये जिंदा कैसे है, क्या ये जानता है इसे किसने बनाया? तुम्हारे ये सवाल लाजमी है चीरो। और वैसे चीरो, क्या तुम भी यही सब सवाल नहीं पूछते अपने आप से? नया प्रोग्राम एक्टिवेटेड। ऑब्जेक्ट लॉक्ड। अहम मकसद हाइपर फोर्स को ढूंढकर उन्हें तबाह करना।